खबरें अब तक पावर्ड बाय फ्लाई अपीरन द जर्नी बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। नमस्कार, मैं रचा सिंह, आप सभी का स्वागत है खबरें अब तक में। खबरें अब तक में आज बात होगी बांग्लादेश में सत्ता हथियाने के लिए जारी संघर्ष की, अयोध्या रेप मामले को लेकर घिरे अखिलेश यादव की और बांग्लादेश में जारी हिंसा की। साथ ही आज की सभी मुख्य घटनाओं पर चर्चा करेंगे विस्तार से, लेकिन उससे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की हेडलाइंस पर। विनेश फोगाट का धमाल, सेमीफाइनल में कर ली एंट्री, नीरज चोपड़ा फाइनल में पहुंचे। विनेश फोगाट ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सेमीफाइनल में एंट्री ले ली है। उन्होंने क्वार्टर फाइनल मुकाबले में यूक्रेन की खिलाड़ी ओक्साना लिवोच को 7-5 से करारी शिकस्त दी। वहीं नीरज चोपड़ा ने जावलिन थ्रो में कमाल कर दिखाया, इस तरह उन्होंने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। पीएम मोदी ने कमिश्नर को किया फोन, काशी विश्वनाथ मंदिर के पास हुए हादसे के लिए जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ धाम के समीप मकान गिरने की घटना के बाद रेस्क्यू के दौरान कमिश्नर से फोन पर घटना की जानकारी ली। पीएम ने घायलों को हर संभव मदद करने की बात कही है। बांग्लादेश में संसद भंग, पूर्व पीएम खालिदा जिया हुई रिहा। बांग्लादेश में हिंसा के बीच राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने संसद को भंग कर दिया है, साथ ही देश की पूर्व पीएम खालिदा जिया को भी रिहा कर दिया है। दो दिवसीय दौरे पर अयोध्या पहुंचे सीएम योगी, हनुमानगढ़ी में पूजन के बाद रामलला की उतारी आरती। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को दो दिवसीय दौरे पर रामनगरी पहुंचे, जहां गर्भगृह में विराजमान बजरंग बली की सीएम योगी ने आरती उतारी। इस दौरान पुजारी राजू दास सहित अन्य संतों से भी मुलाकात की। शुरुआती बढ़त को बरकरार नहीं रख पाया बाजार, सेंसेक्स 166 अंक टूटा, निफ्टी 24,000 से फिसला। लगातार तीसरे कारोबारी सत्र में मंगलवार को घरेलू शेयर बाजार लाल निशान पर बंद हुआ। हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन सेंसेक्स 166 अंक टूटकर 78,553 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 63 अंक फिसलकर 23,992 पर बंद हुआ। ये तो थी आज की हेडलाइंस, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको आज की वायरल वीडियो से रूबरू करवा देते हैं। पुलिस के लाख प्रयासों के बाद भी गंगा में छलांग लगाने के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। एक बार फिर सोशल मीडिया में एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक युवक अपनी जान जोखिम में डालकर बिजली के खंभे पर चढ़कर गंगा नदी में छलांग लगाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप भी देखिए। मजे का ये यार वीडियो बना रहे ना। हाँ बना रहे, करंट डालो तो मर जाता। हाँ बना रहे बना रहे बना रहे, उनको मरने के लिए मेरा कोई खाता क्या यार, ये वायरल वीडियो कोहना थाना क्षेत्र के भैरव घाट का बताया जा रहा है। वीडियो में देखा जा रहा है कि युवक अपनी जान को जोखिम में डालकर मौत का स्टंट कर रहा है। युवक मौत को दावत देता नजर आ रहा है। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर मामले में जांच शुरू कर दी है। फिलहाल खबरें अब तक में बात करते हैं अपनी पहली खबर के बारे में। 1971 में पाकिस्तान के अस्तित्व से अलग होकर नए राष्ट्र के रूप में उभरे बांग्लादेश का इतिहास ही विद्रोह और रक्तपात से पटा पड़ा है, और तख्तापलट से भरे पड़े इस मुल्क के इतिहास के केंद्र में हमेशा से सत्ता की लड़ाई रही है। यही कारण है कि आज बांग्लादेश हिंसा की आग में झुलस रहा है। हर तरफ मौत का मंजर नजर आ रहा है। देश में हुए हिंसा के निशा बता रहे हैं कि बांग्लादेश के छात्रों में आरक्षण को लेकर कितना आक्रोश है। जी हाँ, छात्रों के प्रदर्शन ने पहले हिंसक रूप लिया और बात तख्ता पलट तक पहुंच गई। फिर स्थिति इतनी खराब हो गई कि शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और बांग्लादेश से बचकर निकलना पड़ा। अभी शेख हसीना भारत में है और बताया जा रहा है कि यहाँ से शेख हसीना
लंदन या फिनलैंड में शरण ले सकती हैं। ऐसे में शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर बांग्लादेश की कमान किसके हाथों में होगी, क्या वो चुनाव होंगे या फिर सेना अपने अंडर में सब कुछ कर लेगी। ऐसे में जानते हैं कि आखिर बांग्लादेश में शासन के लिए कौन कौन दावेदार हैं और बांग्लादेश की सत्ता पर कौन काबिज हो सकता है। भारत का पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश सबसे बड़े संकट से गुजर रहा है। हिंसक प्रदर्शनों के बीच बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना को अचानक पद से इस्तीफा देकर देश छोड़ना पड़ा। इसके बाद देश के सेना प्रमुख बकर उज्जमान ने घोषणा की कि सेना की मदद से नई अंतरिम सरकार बनाई जाएगी। हालांकि अभी तक बांग्लादेश में सरकार बनने या सत्ता हाथ में लेने को लेकर कोई तस्वीर साफ नहीं हुई है, लेकिन सत्ता पर काबिज होने के लिए कई दावेदार माने जा रहे हैं। शेख हसीना के इस्तीफा देने के बाद हुई आर्मी चीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाजा लगाया जा रहा था कि अब आर्मी रूल लग सकता है और सेना प्रमुख अपने हाथ में देश की कमान ले सकते हैं। लेकिन तेजी से बदले घटनाक्रम में बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया को रिहा करने का भी आदेश दिया, जो घर में नजरबंद थी। खालिदा जिया की रिहाई की खबर के बाद चर्चा है कि खालिदा भी देश के पीएम बन सकती हैं। इसके अलावा जमात इस्लामी को भी अहम दावेदार माना जा रहा है। बता दें कि खालिदा जिया की रिहाई के बाद अटकलें लगाई जा रही हैं कि अंतरिम सरकार में खालिदा जिया का नाम शामिल किया जा सकता है। इसके साथ ही कहा जा रहा है कि खालिदा जिया के बेटे और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के कार्यवाहक चेयरमैन तारिक रहमान को भी आगे किया जा सकता है। खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष हैं। खालिदा का झुकाव जमात इस्लामी की तरफ है। ऐसे में खालिदा जिया को जमात इस्लामी का साथ भी मिल सकता है। जाहिर है बांग्लादेश में इस विरोध के पीछे आरक्षण के अलावा बेरोजगारी, घटती विदेशी मुद्रा भंडार और हर चीज पर नियंत्रण की इच्छा है। प्रदर्शनकारियों की मांग थी कि 1971 के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के परिजनों के लिए 30% सरकारी नौकरियों को आरक्षित करने वाले कोटा सिस्टम को खत्म किया जाए। पहले जब हिंसा भड़की थी तब कोर्ट ने कोटे की सीमा को घटा दिया था, लेकिन हिंसा नहीं थमी। अब प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं और हिंसा कर रहे हैं। इस हिंसा में अब तक 300 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। बांग्लादेश के बिगड़े हालात का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि अब तक 14 पुलिस वालों तक की मौत हो चुकी है और 300 से ज्यादा पुलिस वाले घायल हैं। 11,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हैं और यह हिंसा अभी भी जारी है। खैर, चलिए इसी के साथ खबरें अब तक में बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव में मिली अच्छी खासी सीटों के बाद यूपी में अखिलेश यादव का जलवा है। अखिलेश जहां यूपी के बदौलत विधानसभा से निकलकर संसद तक पहुंच गए हैं, तो उन्हीं के पार्टी के सांसदों की संख्या भी संसद में डबल हो गई है। इसके बाद से ही अखिलेश यादव काफी ज्यादा एक्टिव भी दिख रहे हैं। चाहे जो मुद्दे हों, वो अपनी आवाज बुलंद रखते हैं। जिस पीडीए के दम पर वो अच्छा प्रदर्शन कर पाए, वही पीडीए अब उनको फंसा रहा है। जी हाँ, लोकसभा चुनाव से पहले सपा मुखिया ने एनडीए के मुकाबले पीडीए नारा दिया। इसी नारे को राष्ट्रीय स्तर पर बने विपक्षी गठबंधन इंडिया ब्लॉक ने भी आत्मसात किया। साथ ही चुनाव के दौरान पिछड़ा अल्पसंख्यक और मुस्लिमों यानी पीडीए पर जमकर दांव चला, मगर अब अयोध्या रेप केस में सपा इसी दांव पर फंसती नजर आ रही है। वो गैंगरेप जैसे जघन्य आरोप में भी खुलकर पीड़िता के पक्ष में स्टैंड नहीं ले पा रही है, बल्कि कार्रवाई पर ही सवाल उठा रही है। देखिए रिपोर्ट और जानिए कैसे पी और ए में उलझा अखिलेश का पीडीए फॉर्मूला। लोकसभा चुनाव के बाद हर मुद्दे पर सरकार को सीना तानकर जवाब देने वाले और बुलेट की स्पीड से सवाल दागने वाले अखिलेश यादव अयोध्या गैंगरेप मामले में डीएनए टेस्ट से ज्यादा कुछ बोल नहीं पा रहे। अयोध्या गैंगरेप मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव खुलकर पीड़िता का पक्ष नहीं ले पा रहे हैं, क्योंकि आरोपी उनकी ही पार्टी का सदस्य और मुस्लिम समाज से है। अयोध्या गैंगरेप केस में आरोपी सपा का नगर अध्यक्ष बताया जा रहा है, वहीं दूसरा आरोपी भी नगर अध्यक्ष के यहाँ काम करता था। दोनों आरोपी अल्पसंख्यक समाज से आते हैं, वहीं नाबालिग पीड़िता पिछड़े वर्ग से है। वहीं गैंगरेप का खुलासा पीड़िता के पेट में दर्द होने पर हुआ। जांच में वह 12 सप्ताह की गर्भवती मिली। उसकी तबीयत बिगड़ने पर केजीएमयू इलाज के लिए रेफर कर दिया। उधर इस जघन्य अपराध पर जहां योगी सरकार पूरे एक्शन में है, बुलडोजर कार्यवाही से लेकर आरोपियों पर सख्त धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके साथ ही लापरवाह पुलिस कर्मियों पर भी एक्शन लिया गया। उधर सपा पिछड़े और अल्पसंख्यक के बीच फंसी हुई है। आरोपियों के अल्पसंख्यक और पार्टी से जुड़े होने के कारण सपा मुखिया अखिलेश यादव मामले में राजनीति होने का दावा कर रहे हैं। वहीं बीजेपी उन्हें मुस्लिमों की हितैषी बताकर पिछड़ा और महिला विरोधी होने का दावा कर रही है।
बता दें कि लोकसभा चुनाव में पीड़े का नारा देकर सपा यूपी में सफलता हासिल करने में कामयाब हुई। उसने जहां 37 सीटों पर जीत दर्ज की, वहीं सहयोगी कांग्रेस ने भी 6 सीटें हासिल की हैं। वहीं 10 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में भी सपा पीडीए फॉर्मूले पर ही आगे बढ़ने का ऐलान किया था। वहीं अब अखिलेश के डीएनए टेस्ट की मांग ने पीडीए फॉर्मूले पर सवाल खड़े कर दिए हैं। भाजपा इसे अखिलेश के आरोपी के पक्ष में बयान देना बता रही है, जबकि अखिलेश इसे कानून सम्मत होने का दावा कर रहे हैं। ऐसे में अयोध्या केस पर सियासत चरम पर पहुंच चुकी है। बीजेपी अब इसे संसद में उठाकर सपा और विपक्ष के पीडीए मुद्दे और महिला सुरक्षा की पोल खोलने की तैयारी में है। देखा जाए तो आपको मुलायम सिंह यादव का लड़कों से गलती हो जाती है वाला बयान तो याद होगा। अखिलेश यादव भी जैसे संवेदनहीनता से इस मामले में बयान दे रहे हैं, वो मुलायम सिंह के यादव के बयान से भी ज्यादा हैरान कर रहा है। दरअसल एक लड़की जिसकी अस्मत लूटी गई, जिसने अभी जिंदगी को सही से देखा तक नहीं था, उस लड़की के रेप के बाद अखिलेश यादव डीएनए टेस्ट की बात कर रहे हैं। हालांकि अब अखिलेश यादव कैसे इस मामले में आगे अपना पक्ष रखते हैं और कैसे पीडीए को भी संभाल कर रख पाते हैं, ये देखने वाला विषय होगा। खैर, बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की ओर। शेख हसीना के बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद से सोमवार को इस्तीफा देने और देश छोड़कर चले जाने के बाद वहां पैदा हुई अराजकता के बीच देशभर में हिंसा की घटनाओं में 100 से अधिक लोगों की मौत हो गई। सोमवार को अशांति और रात भर के तनावपूर्ण हालात के बाद ढाका में मंगलवार सुबह स्थिति मुख्य रूप से शांत रही। बस और अन्य सार्वजनिक वाहन सड़कों पर नजर आए और स्थानीय दुकानदारों ने भी अपनी दुकानें खोली। बता दें कि बांग्लादेश में सोमवार को उस समय अराजकता फैल गई थी जब शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से अचानक इस्तीफा दे दिया था और सैन्य विमान से देश छोड़कर चली गई। हसीना के देश छोड़ जाने की खबर फैलते ही सैकड़ों लोगों ने उनके आवास में घुसकर तोड़फोड़ की, लूटपाट की और प्रदर्शनकारियों ने राजधानी में स्थित हसीना के आवास, सुधा सदन और अन्य प्रतिष्ठानों पर हमला कर तोड़फोड़ और आगजनी की। हसीना की आवामी लीग सरकार के मंत्रियों, पार्टी सांसदों और नेताओं के ढाका और ढाका के बाहर स्थित आवासों एवं व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को भी निशाना बनाया गया। इतना ही नहीं, राजधानी और विभिन्न अन्य स्थानों पर हिंदू मंदिरों पर हमले, हिंसा और व्यापक लूटपाट के कारण 119 लोग मारे गए। इसके साथ ही 16 जुलाई से कल तक 21 दिन में हिंसा और जान गंवाने वालों की कुल संख्या 440 हो गई है। हालांकि अभी स्थिति पूरी तरीके से सामान्य नहीं है। यह हिंसा कब तक जारी रहेगी कुछ भी कहा नहीं जा सकता। फिलहाल इन खबरों के अलावा एक नजर आज की उन खबरों पर भी डाल लेते हैं जो पूरे दिन चर्चा का विषय बनी रही। भारत के स्टार पहलवान विनेश फोगाट ने पेरिस ओलंपिक 2024 में अपना जलवा बिखेरते हुए महिलाओं की 50 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती के सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। वहीं पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर पश्चिम बंगाल में हुई भीड़ हिंसा की विभिन्न कथित घटनाओं की वीडियो फुटेज वाली एक USB ड्राइव दी और बांग्लादेश की स्थिति पर चिंता जताई। वहीं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने कांग्रेस विधायक मुकेश भाकर को 6 महीने के लिए निलंबित कर दिया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और भारत के पूर्व उप प्रधानमंत्री लालकृष्ण आडवाणी को आज सुबह दिल्ली के अपोलो अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की एक टीम उनका इलाज कर रही है। वहीं मंगलवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बांग्लादेश के हालात पर राज्यसभा में बयान दिया और भारत का रुख स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देश बांग्लादेश राजनीतिक संकट से जूझ रहा है, वहां के हालात पर भारत सरकार भी नजर रखे है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के समीप मकान गिरने की घटना के बाद शुरू रेस्क्यू के दौरान कमिश्नर से फोन कर घटना की जानकारी ली। पीएम ने घायलों को हर संभव मदद इलाज की बात कही, मृतक के प्रति संवेदना व्यक्त की, साथ ही इस तरह की घटना के बचाव की जानकारी ली। ये तो थी हमारी आज की वो खबरें जो पूरे देश में काफी सुर्खियों का विषय बनी हुई हैं, लेकिन जाते जाते आपको एक और अहम मुद्दे से रूबरू करवा देते हैं। बांग्लादेश में सरकार विरोधी प्रदर्शनों में जान माल और लोकतंत्र को भारी नुकसान के बाद आखिरकार शेख हसीना की सरकार का तख्ता पलट हो ही गया। देश की कमान अब सेना के पास है और उसने अंतरिम सरकार का गठन करवाने की बात कही है। शेख हसीना को सत्ता से बाहर करने के लिए बांग्लादेश में जिस तरह का अभियान चलाया गया, उसने दूसरे इस्लामिक देशों के सत्ताधारियों की नींद उड़ा दी है। शेख हसीना का सत्ता से बाहर होना कट्टरपंथियों की बहुत बड़ी जीत है।
ये जीत दर्शाती है कि दुनिया भर में हावी होते इस्लामिक कट्टरपंथी अब भारत के बगल में भी प्रभावी हो रहे हैं। दुनिया में कई इस्लामिक देश उदारवादी माने जाते हैं और उन्हें ये खतरा सता रहा है कि यदि कट्टरपंथी उनके यहाँ भी हावी हुए तो वर्तमान सत्ताधारियों के खिलाफ योजनाबद्ध तरीके से अभियान चलाकर उन्हें शासन से बाहर किया जा सकता है। बांग्लादेश से जो दृश्य सामने आ रहे हैं वो दर्शा रहे हैं कि प्रदर्शनकारियों का मकसद सिर्फ सत्ता बदलना नहीं था। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के आवास और अन्य महत्वपूर्ण इमारतों में घुसकर प्रदर्शनकारियों ने जो हरकतें की हैं वो दर्शा रही हैं कि अब देश अराजकतावादियों के हाथ में चला गया है। बांग्लादेश में प्रदर्शनकारियों को समझना होगा कि मूर्तियों को तोड़ने, सरकारी इमारतों को नुकसान पहुंचाने और किसी देश के विरोध में अभियान चलाने से देश की अर्थव्यवस्था सुधर नहीं जाएगी। बहरहाल बांग्लादेश की सेना और राष्ट्रपति को चाहिए कि जल्द से जल्द अंतरिम सरकार का गठन किया जाए और संभव हो तो नए चुनाव कराए जाएं। जरूरत है कि बांग्लादेश एकजुट होकर इस मुश्किल घड़ी से बाहर निकले। खैर, आपके इस मुद्दे पर क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जाते जाते हम आपको छोड़ जाते हैं आज के सुविचार के साथ। नमस्कार। कमाई की परिभाषा सिर्फ धन से ही तय नहीं होती। तजुर्बा, रिश्ते, प्रेम और सम्मान और सबक सब कमाई के ही रूप हैं।